Mrs. Mukherjee, good morning. कैसी हैं आप? I'm fine. So excited? आपको मेरी excitement मेरी आवाज़ में feel नहीं हो रही? सुनो रोहन, please be there at 10:45. मैं time पर पहुंच जाऊंगा. Please don't worry. Okay. लेकिन Mrs. Mukherjee, अगर आप होती तो अच्छा होता. मतलब आपने ये सब सेट किया है तो मैं सोच रहा था कि if you can meet, it'll be really nice. You रोहन, लड़की से डर लग रहा है? झूठ बोलूं तो नहीं, सच बोलूं तो थोड़ा थोड़ा. आई मीन पहली बार है तो आई फील दैट्स व्हाई. अच्छा रोहन, तुम्हारे साथ कोई जा रहा है ना? हाँ हाँ, वो है ना अपना वन एंड ओनली जफर. ओके, गुड. ऑल द बेस्ट देन. यस मिसेस मुखर्जी, थैंक यू. आई सी यू. बाय बाय. परसी क्या हुआ, उतर गई चेन फिर से? हाँ. अरे यार, तेरी पुरानी साइकिल में नया ट्विस्ट आने वाला ही नहीं. हाँ. अब क्या करें? करके दो ना ठीक. और अपने पापा को बोल नई साइकिल खरीद दे. अब रोहन अंकल, आपको तो पता है ना मेरे पापा, उन्होंने अपने पापा की विंटेज लैम्बरेटा चेन देखी. मेरी साइकिल क्या करने वाले? टिपिकल पारसी है तेरे पापा. बाइक बाइक उठा. हाँ. और अब सीख ले ये यार. हाँ. कितनी बार करके दिखाया करके. चलो बेस्ट बेस्ट. ऑल सेट. यस यस, थैंक्स रोहन. वाओ, यू आर द बेस्ट. एक बात बता, तू साइकिल कैसे चला लेता यार? विश्वास और कॉन्फिडेंस. जब ये दो तुम्हारे साथ हो ना तो रास्तों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती. याद रख. अरे पापा से गुड मॉर्निंग सारस भाई. अरे यार दिकरा, तुम बिना देखे रोज कैसे पकड़ लेता है? सबका कोड फिट किया है क्या नाक में? हाँ सल्ली बोटी सारस भाई, आपका कोड. सी परसी, शाम को मिलते हैं. सल्ली बोटी. क्या हुआ दिखी? भाई तू तो गोरा ही, वो तो तेरे से भी गोरी है. तुम दोनों के बच्चे इंडिया के लगेंगे नहीं. पता ना मुझे. चल हेलो. हाय हाय, आई एम रोहन भटनागर. सॉरी आई एम लेट. इट्स ऑलराइट. ये सुप्रिया है, सुप्रिया शर्मा. हाय. मैं गीता सान्याल. हेलो. रोहन और सुप्रिया यहाँ, मैं और आप वहां बैठेंगे तो बेटर रहेगा. यहाँ की पापा जी बहुत फेमस है. रोहन तेरे लिए एक्स्ट्रा दो पाव बोल दो ना. नहीं मैं बैठा. भाभी आपके लिए पापा जी बोलता हूँ, आप चलिए ना. आई एम सो सॉरी. ये जफर ना कभी कभी कुछ भी बोल देता है वो. आई होप यू डोंट माइंड. आई एम इट्स ऑलराइट. तो वैसे मिसेस मुखर्जी, जब भी आपके बारे में कुछ भी बोलती है तो तारीफ से शुरू करती है और तारीफ पे ख़त्म करती है. उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया? इतना कि आपके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, अगर शादी करना चाहती तो. मतलब? मिसेस मुखर्जी के बहुत एहसान है मुझ पर, उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आई. एक्चुअली मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहती. आप प्लीज मना कर दीजिए, कुछ भी कह दीजिए. जैसे? जैसे मैं आपको पसंद नहीं आई. मतलब ना चाहते हुए भी झूठ बोलो. रोहन मैं काम करती हूँ, कमाती हूँ, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ. पर रियल लाइफ में दो नेगेटिव्स पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली इट्स फनी, क्योंकि मैं भी शादी नहीं करना चाहता. तो फिर तुम क्या? वही मिसेस मुखर्जी और उनके प्रेशर्स. लेकिन इस एक मीटिंग में इतना तो मैं जान गया हूं कि तुम
बहुत कॉन्फिडेंट भी हो और बहुत इंडिपेंडेंट भी हो एंड आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग. थैंक यू. एक बात बोलूं सु, आदमी का खुद पे भरोसा उसकी ताकत होती. तुम और मैं हम कमजोर नहीं हैं, तो फिर तुम साथ आने में डर क्यों रही हो? क्योंकि अंधेरा अंधेरे को रोशन तो नहीं कर सकता रोहन. राइट. लेकिन अंधेरे में किसी का साथ होना सु तो अंधेरा कम लग सकता है ना? तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया. तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? करना चाहता हूं लेकिन अभी नहीं. तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहता हूं, जस्ट टू बी श्योर, यू नो, अपने बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में. सो यू नो, let's just see. चाय पियोगे? सेट कर लिया मेरे दोस्त ने. देखिए दोनों की हंसी हाँ वाली है. शादी मुबारक हो. गणपति बाप्पा हो रहा, मंगल मूर्ति हो रहा. अरे बाप्पा बाप्पा हो रहा. गणपति बाप्पा, बाप्पा बाप्पा, गणपति बाप्पा हो रहा. तो कल मिले? कब, कहाँ, क्यों? अब श्योर होना है तो रोज मिलना तो इम्पोर्टेंट है ना सु? वो मैं हर मंडे वेंसडे फ्राइडे डांस क्लासेस के लिए जाती हूँ. तुम डांस भी करती हो? मैं पियानो बजाती हूँ और मेरे म्यूजिक पे स्टूडेंट्स डांस सीखते हैं. तुम लिटरली लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाती हो, समझ रहा हूँ मैं. रोहन बाय. बाय चले. हैंडसम, अरे यार तेरा हैप्पी बर्थडे है क्या? ए कपड़े एक भेज पेपर के साथ. हाँ भेज भेज. शाहिला, ये प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन अंधों को भी प्यार होता है. आज पहली बार देख रहा हूँ. How are you? I'm good. तो ये डांस क्लास कितने बजे तक है? आई थिंक लास्ट सेशन है. कॉफी आफ्टरवर्ड्स? हाँ श्योर. लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक. सू, हाँ, यू डोंट डांस? आई डांस. यू डांस वेल? आई थिंक आई डांस क्वाइट वेल. रियली? या. और तुम? मैं एक्चुअली सू, ये डांस फ्लोर का साइज क्या होगा? 40 by 40. सो स्क्वायर. एनी लेवल्स? 1. एंड व्हाई डू यू आस्क दैट? क्योंकि आई फील लाइक वी शुड ट्राई. व्हाट? या. आर यू आस्किंग मी टू डांस विद यू? यस आई एम. श्योर? लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे सु? रोन, कम ना.
तुम कहाँ जा रहे हो? ओह सॉरी, कहाँ है? यहाँ है। आई थॉट यू वर जोकिंग। ए सुप्रिया, कहाँ जा रही हो? दैट्स माय फ्रेंड रोहन, ही वांट्स टू एक्सप्लोर द डांस फ्लोर। ओह कूल, शैल आई प्ले द ट्रैक? या यस प्लीज, थैंक्स। लेवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक कदम से। कदम से कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले चले साथ हम तुम जहां वहीं पे बने काफिले रोन बस अब और कितने जूते ट्राई कराओगे? एक और सू, एक और, एक और। सू, ये वाला ठीक है। क्यों, इसमें ऐसा क्या है? इसका सुर एकदम सही है। ये पहनोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कितनी पास हो। कितनी दूर? Come on, I think we should buy this one. Yes, please. Rohan,
आज कुछ ज्यादा ही रश है ना? एक मिनट, क्या हुआ? क्राउड बहुत है। अरे सू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। चलो सू, भूख लग रही है। फूड कोर्ट चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। अरे बॉस जी, एस्केलेटर प्लीज। वो सामने। Put your hands together and please welcome none other than Mr. Vikram Khanna. Thank you. अरे भाई साहब एक सेकंड, सू, अरे एक मिनट बॉस, सू, अरे धक्का क्यों मार रहे हो आप लोग यार? रोहन, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे एक सेकंड, क्या हुआ? मुझे नीचे जाना, मुझे, आप नीचे नहीं जा सकते हैं। सू, सू, रोहन, अरे भाई साहब देखिए यहाँ पे कोई लेडीज है, मेरे जैसे वो देख नहीं सकती। हेल्प डेस्क में जाइए प्लीज। चलिए चलिए चलिए। कहाँ पर होगा ये हेल्प डेस्क? मुझे मेरे दोस्त नहीं मिल रहे, वो भी मेरे तरह देख नहीं सकते, आप प्लीज हेल्प कर दीजिए। सॉरी मैम, यहाँ तो कोई नहीं है, आप प्लीज किसी सिक्योरिटी को बुला दीजिए। सिक्योरिटी उनका नाम रोहन है। हेलो भाई साहब, मैं बहुत देर से अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, शी इज लॉस्ट, कैन यू हेल्प मी? आपके पास माइक है तो अगर आप माइक के ऊपर यू अनाउंस हर नेम, इट विल हेल्प मी। इन्हें स्टेज पे लाइए। थैंक यू। प्लीज कम। इतना पैशन, फ्रेंड है गर्लफ्रेंड है? आप प्लीज माइक के ऊपर उसका नाम तुम खुद ही बुला लो, पहले तुम्हारी लव स्टोरी फिर मेरी। या टर्न अराउंड सू, कहाँ हो सू? तुम सुन रही हो सू? I'm sorry सू, पता नहीं कैसे हाथ छूट गया। मैं ये मॉल के सेंटर में जो स्टेज है वहां से बोल रहा हूँ। Excuse me. Yes. आप प्लीज मुझे स्टेज तक ले जाएंगे? Sure. Please come. सू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बडी, हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू। रो रहे थे? नहीं तो। अच्छा रोहन, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, कहीं नहीं जा रही हूं मैं। सू, हाँ रोशनी तो कभी थी नहीं, लेकिन अंधेरापन क्या होता है वो आज पहली बार मैंने महसूस किया। वैसे तो अकेला ही रहा हूं, लेकिन अकेलापन क्या होता है आज पहली बार मुझे पता चला। hmm.
क्या कर रही है? मैं चूके देख रही हूँ। मैंने तो तुम्हें बिना छुई देख लिया। हाँ? हाँ। कैसे? उसी दिन रेस्टोरेंट में। और सच बोलूं तो इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। बताओ ना प्लीज, यू स्केयरिंग मी नाउ। कहाँ जा रहे हैं हम? घर। हाँ, हमारा नया घर। पहुंच गए। कम कम कम। अरे हाँ बेगम, आप कहाँ हैं? कहाँ हूँ? जमीन से बहुत ऊपर और आसमान से थोड़ा नीचे। क्या कह रहे हैं? भाभी जी को नया घर दिखाने लाया हूँ। अरे पर वो क्या देखेंगे? अरे हाँ, वही तो मैं भी देखना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ? क्या कर रहा है यार? ध्यान कहाँ है तेरा? नीचे देख। क्या ये? लिफ्ट की जगह सर्विस लिफ्ट, वहां से 16 स्टेप्स और होल। याद रखना, कंस्ट्रक्शन साइट है यार, केयरफुल। अरे यार, यहां से नीचे जाता तो पता नहीं ऊपर जाता है या भी नहीं। थैंक यू यार। मैं तो बोलता हूँ तो ये पहन ले, हार्नेस, टेंशन ही खत्म। सो ये हमारा मेन डोर। हाँ, वेलकम। आइए भाभी जी, आइए। ये आपका लिविंग रूम है, जो साइज में मेरे पूरे घर से बहुत बड़ा है। रोहन, हम अपने लिविंग रूम में बहुत ज्यादा फर्नीचर नहीं रखेंगे। ओके, जस्ट बेसिक्स। और बालकनी में एक झूला। Perfect. And बहुत सारी candles. Candles? हाँ, खुशबू वाली. I love scented candles. Really? Hmm? Yeah, I think you will love this. Come. क्या? यहाँ ना, शाम को, एक सेकंड, सूरज, हाँ, यहाँ डूबता है, शाम को, और तब एक बहुत मीठी सी आवाज चलती है. हाँ. महसूस करो. Yeah. ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ में भी दो नेगेटिव्स पॉजिटिव बनने जा रहे हैं। मेरी लाइन मुझको। बट एक्चुअली रोहन, मैंने तो नींद में भी कभी ऐसे सपने नहीं देखे। डर लगता था। नहीं सु, देखो और सपने देखो, बड़े से बड़े सपने देखो। रोको मत अपने आप को, क्योंकि अब तो मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मैं इतना काबिल बन सकूं कि तुम्हारे हर सपने को पूरा कर पाऊं। तेरे मेरे सपने सभी, तेरे मेरे सपने सभी, बंद आंखों के ताले में है चाबी, कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल शरारते ये मस्तियां, अपना यही अंदाज है।
सब खुशियों का अब तो ये आगाज है। आज उड़ती हूँ जैसे तितलियाँ, तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में, चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में, फिर भी सपने कर दिखाऊँ सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल का रीति रिवाज सब मालूम है परवीन को, तेरा बेडरूम भी उसी ने सजाया है। जफर थैंक्स यार। अरे यार तू भी। अच्छा सुन, तेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या? फुग्गा, गुब्बारे, कॉन्डम। सब के सामने ऐसा कैसे, क्या कर रहा है यार तू? कोई देख नहीं रहा है। कमाल आदमी है। अरे सब लड्डू खा रहे यार। कमाल आदमी है। अरे सुन ना, वैसे भी इंडिया में इलेक्शन हो या शादी, सबको रिजल्ट चाहिए पहले साल में। लेकिन तू फिक्र मत कर, कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पहले से। यू टेक योर टाइम। पागल है तू एकदम। अरे यार, अरे बस करना यार, अभी आ रहा हूँ। जल्दी करना यार। बज गया सायरन, अब निकलेगी सवारी। कहा अमित है ना, इसने आज पार्टी रखी है। बेटा वसीम, ये जो तुम्हारा खास दोस्त है ना, अमित कॉरपोरेटर का छोटा भाई है और अपन लोग कसाई, रोज काटते हैं तो खाते हैं बेटा। कल से दुकान पे आना है तुझे, कोई बहाना नहीं। अभी चलता हूँ ना वो। अरे भाई कहाँ गए? गया अपने लंगोटी के साथ सैर कर। वसीम एक बात तो बता, आज रात को ये अंधे लोग की सुहागरात की पार्टी में बत्ती ऑन होगी कि ऑफ? भाई बत्ती का तो नहीं मालूम, लेकिन पंखा जरूर चालू रखेगा। कहीं को गर्मी बहुत होने वाली है। यार अमित, ये अंधे लोग कैसे कैसे क्या? मेरा मतलब है बिना देखे। अरे टचिंग फीलिंग रे। कैंडल्स तुम्हें याद था? नहीं तो कैंडल्स हैं, पता नहीं कैसे आ गई यहाँ पे। अच्छा छूटे। सो तुमने मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा किया है, तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश में अधूरी कैसे छोड़ सकता हूँ? देख नहीं सकती हूँ पर महसूस होता है सब कितना सुंदर है। क्या कर रहे हो, कुदकुदी होती है। Don't worry, baby. Papa! Yes,
नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते रोमियो, ये पाप है, पाप है। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा रोमियो, मुझे कैसा था? फैंटास्टिक। ओके। अमेजिंग यार, बिना देखे कैसे डब करता है, वो भी इतनी आवाजों में एक साथ। Are you sure he's blind? English में सुनता है और हिंदी में बोलता है। You know? Brilliant. Hello? Sue. Hi. पता है आज स्टूडियो में कौन आए? बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कौन? खुद बात करो और गेस करो। Hello, सुप्रिया जी। कैसी हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? मैं अमिताभ बच्चन, रोहन का दोस्त। कैसी हैं आप? अमित जी, आप नमस्ते। नमस्ते रोहन, जब से मिले हैं आपकी सुंदरता का ही गुणगान गा रहे हैं माशाएं। मुझसे तो ऐसा कभी नहीं कहा। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, बीवी के सामने कुछ नहीं कहते। जया जी की भी यही शिकायत है। जी शुक्रिया, थैंक यू अमित जी। सुखी रहिए, आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो, बस इसी आशीर्वाद के साथ विदा लेता हूँ। रोहन, सुना तुमने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया आमिर जी ने। अच्छा सुनो, आमिर खान आते हैं क्या तुम्हारे स्टूडियो में? अरे आमिर क्या, सारे खानों को ले आता हूँ आज शाम खाने पे, ओके? पर सुनो, आज शाम हमारा खाना बाहर है, ओके? बाय बाय। पता है सुन, एसी में भी गर्मी क्या होती है वो आज मुझे पता चला। इतना खतरनाक लग बैठ दिया तुमने मुझे कल रात को। खतरनाक? डबिंग आर्टिस्ट हूँ, आज मेरी बोलती बंद हो गई। पता है जब से अनूप ने मुझे बताया तो शर्ट के ऊपर का बटन बंद किए घूम रहा हूँ। कैन यू इमेजिन? अच्छा शुरुआत किसने की? तुमने? मैंने? कौन? व्हाट लाइज? ओह लाइज, सुबह सुबह दस्तूर आंटी ने मिलके सारी डिटेल्स ले ली और फिर 15 साल पहले उनको मिले लव बाइट की सारी हिस्ट्री सुना डाली। अपना हाथ देना प्लीज, अपना लेफ्ट हैंड। मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से ली थी, मैं दोनों पहनूंगी, एक घड़ी वक्त बताएगी और दूसरी तुम्हारा प्यार। कितना हुआ बॉस? 80 रुपए सर। 80? जी सर। ये ले 100। थैंक यू सर। बना रहा है या आजमा रहा है? क्या हुआ सर? 80 हुए ना? हाँ सर। तो 10 क्या दे रहा है? 20 दे? सॉरी सर, एक्चुअली ना जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया। हाँ सर। अरे हुआ क्या? आप सही, चल। वो क्या है सुनिए जी, ऑटो वाला थोड़ा कम समझ रहा था। और जानते थे कि आप है, हैं? मिस्टर डबिंग आर्टिस्ट। अच्छा, मेरा मुझ पे ही? सीरियसली? हां सर, काफी स्मार्ट हो तुम, बच के रहना पड़ेगा। अरे वो तो मैं हूं, श्री श्री रो। कौन? अमित तू है ना? क्या हुआ रोहन, मुझे डर लग रहा है, चलो ना। अरे डरने की कोई बात नहीं है सर, मैं जानता हूं इसे। क्या हाइड एंड सीक क्या खेल रहा है अमित? कुछ बोलना है तो सामने आ। मारना पड़ेगा यार तेरे को रोहन। यार तू पहचान कैसे लेता है? नाक खतरनाक है तेरी। रास्ता छोड़। अरे यार तू डिसाइड कर, कभी बोलता है सामने आके बात कर, कभी बोलता है रास्ता छोड़। रास्ता छोड़। अच्छा चल छोड़ दिया, जा जा। अच्छा सुनिए यार, एक बहुत जरूरी बात पूछना था तेरे से। देख अब
अपन फुल ट्राई मारने के बाद भी अपन से काम वाली बाई नहीं पड़ती। तूने तो अंधेरे में अच्छा खासा तीर चला लिया यार। तमीज से बात कर, बीवी है मेरी, समझा? रोहन कॉलर छोड़। ओ तेरी, अरे ये क्या है? वसीम देख देख लगता है अपने हैंडसम ने कल रात को अच्छी ब्लू फिल्म बना डाली। क्या बात कर रहा है? ये रोहन, ये पता ना तूने भी उसको दिया क्या बाइटिंग? ये पता ना बोलना किधर दिया? नहीं 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 मत बोल मत बोल, साला मैं ही देख लेता हूँ। कमजोर मत समझ, पहली बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार समझ दे तू, कमजोर मत समझ। शीलू आंटी, मातृता है, चिरके भाभी, आओ सब लोग। क्या हुआ सुप्रिया, क्यों चिल्ला रही हो? ये लड़के हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। पर तुम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। यही तो थे रोन, कहाँ गए? वो गए सु, वो गए। चलो देखिए, मैं कुछ नहीं जानता जी, जी। फ्लैट की बुकिंग के टाइम पे आपने मुझे क्या कहा था? याद है मुझे क्या कहा था? दिसंबर में मैं दे दूंगा जी, जी, कहा था। तो फिर अभी आप अगले साल कैसे बोल सकते हैं आप? अरे भाई पेपर्स नहीं तैयार हुए ना। क्या पेपर? राजेश जी, जी, हाँ। राजेश भाई, मैं कुछ, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। एक महीने के अंदर अंदर या तो आप मुझे पोजेशन दो या फिर मेरा पैसा खत्म। बात जी, जी थैंक यू। क्या कर रही हो सुन? वही जो कल रात उस समय करना चाहिए था जब तुमने उस आदमी को थप्पड़ मारा। तो किया क्यों? सुप्रिया, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आंटी। ये क्या है? एक्चुअली आंटी हमारा फ्रिज खराब हो गया है, आप दूध रख लेंगे अपने? हाँ, क्यों नहीं। कहाँ हो तुम? आज कितनी बार फोन किया मैंने, पता है आज स्टूडियो में कौन आए थे? आमिर खान। करवानी थी बात लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। कमाल कर दी यार, इतना अच्छा चांस था, मिस हो गया। अरे जवाब तो दो सू, क्या हुआ सू? सू, सू तू ठीक तो है? सू मुझे बता क्या हुआ? सू, सू क्या हुआ? सू मुझे बता, सू मुझे बता क्या हुआ? सू आपकी वाइफ के स्टेटमेंट पर हमने अमित और वसीम दोनों को कस्टडी में ले लिया है, लेकिन ऐसे केस में मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है मिस्टर भटनागर, और अभी करवाना जरूरी है विद इन 24 आवर्स, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम उन्हें रिमांड में रख सकते हैं, नहीं तो आप उन्हें प्लीज तैयार कीजिए। इनकी फैमिली वगैरह? नहीं, मैं सिर्फ बस मैं केस कहाँ है सर? वो उन्हें देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, और शानू ने रेप के टाइम पे मुंह ही नहीं खोला तो आवाज़ भी पहचान नहीं सकती। पूरा केस उसकी नाक पे है सर, तो क्या कोर्ट रूम में सबको सूंघते बैठेगी और जज नाक की गारंटी लेगा क्या? इसीलिए मेडिकल के लिए भेज रहा हूँ।
हेलो जी ठीक ओके आ गया फोन ऐसे टाइम पे आता ही है सर फोन का क्या है फोन तो ऐसे ही आता रहता है तो मेरे फोन पर कम अपनी ड्यूटी पर ज्यादा ध्यान दो यस सर ले जाओ उसे मसीना हॉस्पिटल मेडिकल के लिए यस सर चौबे साहब ने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी है आने में थोड़ा लेट हो गया चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं और तुम्हें चौबे साहब ने चौके बुलाया जी सर ठोक ठोक के दिमाग की मां बहन कर रहा है देख 24 घंटा तेरे को इधर रखेंगे फिर तू जा अरे पर क्यों रुक अगर तूने दोबारा से दरवाजा ठोका ना तो तेरी बीवी की फिर से आपकी रिपोर्ट तैयार है आपको डॉक्टर बुला रहे हैं मिस्टर भटनागर इस रिपोर्ट से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना रेप के बाद के 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं एविडेंस के लिए आप 30 घंटे के बाद आए वो भी भीग कर ऑल एविडेंस सीम्स टू हैव बीन वॉश्ड आउट क्या किडनैप किया बंद किया फिर समंदर में छोड़ दिया हाँ? गवाह है क्या इसका भाई हाँ येड़ा समझाएगा मेरे को है? मैं सब समझता हूं अरे बहुत छाने लोग हो तुम ओ मैडम अरे रेप हुआ है क्या आपके साथ क्या इसी क्या बोल रहे हैं आप समझ नहीं रहे आप बात को तू लंबा जाएगा लंबे जाओगे दोनों कॉर्पोरेटर को फंसाने के चक्कर में मानहानि और फ्रॉड दोनों का केस ठोकेगा तुम पे चौबीस साहब कहा मुझे उनसे बात करनी है आप बंदोबस्त पे और क्या उनसे क्या बात करेगा तू हाँ पहले मुझसे बात कर ये देख नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ रेप साफ साफ लिखा है तुम लोग फ्रॉड फ्रॉड पहले रेप का कंप्लेंट किया फिर 24 घंटे गुल 24 घंटे में सोचा है कुछ तोड़पा नहीं करेंगे क्यों बराबर है ना अरे कैसा इंसान है रे तू औरत के नाम पे पैसा बनाना चाहता है क्या शर्म कर
वर्दी ना होती ना तो तेरा मुंह तोड़ देता मैं। सब बकवास है, नहीं मानता मेरी रिपोर्ट को। करवाऊंगा फिर से मैं मेडिकल। चल सु, चल। कहीं नहीं जाना मुझे रोहन। लेकिन कहीं नहीं जाना मुझे। सुन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो क्या कर रहे लोग हमारे साथ? मुझे भूख नहीं है सुबह, तुम खा लो। रोहन, खाना नहीं खाना तो सोने चलो। मैं कुछ देर बैठूंगा सुबह, तुम प्लीज तुम सो जाओ प्लीज। रोहन, मैं समझ सकती हूँ कि अब मैं तुम्हारे लिए पहले जैसी नहीं रही। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास मेरा एनजीओ वाला जॉब है, मैं वहीं वापस चली जाऊंगी। मुझे पता है हम जैसे पहले थे ऐसे कभी नहीं रह सकते। मैं समझ लूंगी कि कल से पहले सब कुछ सिर्फ एक सपना था। खाना टेबल पे रखा है रोहन, थोड़ा सा खा लेना। तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है कि वो भूख ही रह सकती है, प्यास ही रह सकती है। सॉरी यार रोहन, मैं फोर्स नहीं कर रहा तेरे को, पर डेडलाइन है। वैसे भी ये वॉइस तूने ही डब की थी तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। रेडी? ग्रेट, लेट्स गो अगेन। तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है इनकी वो भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, पर चुप नहीं रह सकती। ओ, 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 ओ। कल के लिए आई एम रियली सॉरी सू। मैं खामोश रहा इसलिए कि क्या कहता। कल पहली बार मैंने खुद को कमजोर फील किया, नाराज था खुद से इतना कि
तुम्हारे आंसू पहुंचना भूल गया. I'm really sorry, Su. लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा सु. हम फिर से वैसे ही रहेंगे जैसे हम थे. तुम और मैं थोड़ी देर के लिए गैराज जाके आता हूं. अंदर खिचड़ी रखी है तो खा लेना. चलो. अच्छे दिखते थे आपकी बीवी. मैं कॉर्पोरेटर माधवराव शेलार, अमित का बड़ा भाई. पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस बार आप इलेक्शन में मुझे वोट नहीं देंगे. जवानी रेस के घोड़े की तरह होती है, बंदूक चलते ही दौड़ने लगती है. रगों में खून से ज्यादा जोश दौड़ता है. मैं भी एक टाइम पे जवान था अमित की तरह. मेरा भी दिल आया था वो कॉलोनी में मात्र है ना उसकी औरत पे, पर कुछ कर नहीं पाया. सपोर्ट नहीं था ना. हम सब आप मिल मजदूर एकदम गरीब, पर अमित को है सपोर्ट मेरा. मुझे जो मैं नहीं कर सका वो अमित कर सकता है. पुलिस भी अपनी से छुड़ा लिया है अमित को. भटनागर साहेब, दुख तो मेरे को भी है. नवी नवी शादी थी, मेहंदी का रंग हाथों से नहीं छूटा था, दुनिया छूट गई. पर सुहागरात तो आपने ही मनाई ना पहले,
अमित को तो कुछ खास नहीं मिला था। मीडिया से बात करने का नहीं, कॉलोनी वालों से भी बात करने का नहीं। जितना बात करोगे उतनी बदनामी होगी अमित की। दिल्ली भेजना है ना उसको, कॉलोनी वाले थोड़े दिन में भूल जाएंगे, आप भी भूल जाओ, मेमोरी से डिलीट। भटनागर साहब, एक बात समझ में नहीं आई आपकी मिसिस की। अगर आत्महत्या करने का ही था तो पहले रेप के बाद में क्यों नहीं किया, दूसरे रेप के बाद में क्यों? ये तो भी जानती हूँ कि तुम और तुम्हारा प्यार कमजोर नहीं है, कुछ दिनों में हम ठीक भी हो जाते और फिर से अपनी जिंदगी जी लेते, लेकिन आज जो हुआ अगर वो बार बार होता तो तुम टूट जाते और मैं ये सह नहीं पाती। आज जब तुम काम पे चले गए, मैं किचन में खाना बना रही थी, कौन? मौसी। दीदी बोर्ड मिल गया। गुड, एंड डोंट वरी अबाउट कांच, मैं साफ कर दूंगी। दीदी पराठे बनाए हैं? आलू के, खाओगे? कल गोभी के पराठे। ठीक है, डन। ओके, बाय बाय। पराठे तो हम भी खाएंगे। अरे उस दिन तुमने तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी थी ना? कायना है, आज सुन ले और सुनने की आदत डाल ले, क्योंकि अब तो हमारा आना जाना चलता ही रहेगा। जब जब दिल चाहेगा तब तब आएंगे। चल आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तुम कितनी तकलीफ में हो मैं जानती हूँ, एंड आई लव यू सो मच। तुम्हें बार बार इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही हूँ। एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी, ये दो घड़ियां छोड़ के जा रही हैं, हो सके तो एक को जला देना और दूसरी को दफना देना। तुम्हारी सु।
रोहन, ये हस्तियां हैं, हस्तियां नहीं, मेरी सुहा। भाभी को बिताई देनी होगी, चल इन्हें पानी में बहाना। नहीं सफर, आग से विदा कर दिया, पानी को भी रुकना होगा। क्या बीवी का शोक पुलिस स्टेशन में मनाने आ गए क्या? मुझे 24 साहब से मिलना है। साहब बंदोबस्त पे तो उनका सेल नंबर होगा, वो दे दो मुझे। तेरे को क्या लगता है रे, खाली बैठे क्या तेरे लिए? सब मालूम है कितना बड़ा एरिया आता है उनके अंडर, कितने सारे केसेस है। तेरा तो केस भी नहीं है, तू फ्रॉड है। देख आगे से यहां पे आने का नहीं, समझा? नहीं आऊंगा, लेकिन आज 24 साहब से मिले बिना जाऊंगा नहीं। तो क्या धरना देगा? बोला तेरे को समझता नहीं क्या? बंदोबस्त पे है साहब। चौबे साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। चौबे साहब चल निकल, मैं बोलता हूं फुट यहां से, बहुत इज्जत हो गई तेरी, चल निकल। दलावड़े आप सर बोलो। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया सर, मेरी सूखा चले जाना, इस केस का क्लोज हो जाना, उनका छूट जाना। मिस्टर भटनागर, उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, और तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी कर ली। अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर, हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। मेरी सू कमजोर नहीं थी सर, वो ये भी समझ गई थी कि हमारी दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में, और वो इस सच के साथ जी भी लेती। मगर दूसरी बार के बाद टूट गई। दूसरी बार मतलब? वो दोबारा आए थे सर, मेरी सू के साथ फिर से उन्होंने। क्या? कुछ भी बंकस कर रहा है सर ये। डोंट वरी इंस्पेक्टर नालावड़े, मैं कंप्लेंट करने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। वैसे भी अब आप लोगों से ना मुझे कोई उम्मीद है और ना ही सुख। मैं तो बस इतना कहने आया था कि अगर आपके सिस्टम ने थोड़ा बहुत साथ दिया होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब करना पड़ेगा अपनी सुख के लिए। कुछ करना पड़ेगा मतलब क्या करोगे, बदला लोगे? जवाब सर, जवाब दूंगा। और आपको ना FIR की जरूरत होगी, ना किसी मेडिकल चेकअप की। जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ शायद पोस्टमार्टम की। और तुम बच जाओगे? हाँ सर, जैसे वो बच गए। परफेक्ट क्राइम। और तुम्हें क्या लगता है, हमारी आंखें भी बंद रहेंगी? नहीं सर, आपकी आंखें तो खुली रहेंगी सर, पर आप कुछ देख नहीं पाएंगे। आपके कान खुले रहेंगे पर आप कुछ सुन नहीं पाएंगे। आपका मुंह खुला रहेगा सर, पर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात सर, आप सब कुछ समझ जाओगे पर आगे किसी को समझा नहीं पाएंगे। अबे KBC खेल रहा है क्या तू हमारे साथ? 4 ऑप्शन दे रहा है ABCD। ये खेल उन्होंने शुरू किया था, तमाशा आप लोगों ने देखा। खत्म मैं करूंगा, बस एक बात हो। बोल बोल, आज सब बोल के जा। इस गेम में कोई लाइफलाइन नहीं होगी सर।
फिक्स प्लान बना नहीं है दादा, अभी करता हूँ वसीम को फोन। ये नल्लावड़े इधर क्यों है मालूम है? तोड़ पानी में चार पेटी घुस गई, पार्टी हेडक्वार्टर तक बात पहुंची वाला घन तेरे को पड़ी नहीं है। करेगा तू, भरेगा तेरा दादा। अतः बस अतः वासीम बिसीम सगड़ा बंद, प्रचार पे ध्यान दे तू, 2 महीने बाद इलेक्शन है। अब एक कांड आई ना कान तक, सीधा पुणे ताई के पास, समझ लख? ओ समझ लख, ये 2 महीने ये बात सुनेगा आपकी। अतः काहे सांगू ना लावड़े, ये कई बाप का खून है ना दोनों में, नहीं सुनेगा नहीं समझेगा, जाएगा वासीम के गले में हाथ डाल के बैठेगा पीने को। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है मजा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह, किसी को मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। हसीनों का दीवाना समाना गए फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना हसीनों का दीवाना समाना गए फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना। चक्कर में डेली गली गली में फाइट है, थोड़ा हमें तो टाइम यार, लफ नहीं है क्राइम यार, हर दिन मुझको बिटर लगे तू लड़की है या वाइन। अरे चिंता को जवाब दो, कब पड़ोगे प्यार में, सारी दुनिया लगी हुई है हम भी है कतार में। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना।
एकदम मजा ही आ गया। सारा जमाना रसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बोला है दिल लगाना। अरे देखा वसीम, साला डांस बार बंद हो गया तो क्या, अब उन लोग का ये बार 24 आवर्स ओपन। चल दो लगाते हैं, आ जा। अरे यार कितनी पिएगा, कितनी पिएगा। पीऊंगा, वैसे भी ये मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। क्या को बहुत भड़के हुए हैं। हाँ यार, ये दादा भी अपन के ऊपर बहुत भड़के ले। अच्छा बोलते हैं, वो मेरा करेगा तू भरेगा तेरा दादा, अभी वासीम बीसीम सब बंद, प्रचार पे ध्यान। ब्लडी प्रचार पे अपन ध्यान देंगे तो दारू पे कौन ध्यान देगा, है कि नहीं? ए, चल बहुत हो गया, चल चले। अच्छा तो हम चलते हैं, चलिए वसीम बाबू। अरे सफल भाइयों और बहनों, घमंड की बात नहीं, सब जानते हैं कि हमारी पार्टी ने इस क्षेत्र में क्या क्या किया है। अन्याय का विनाश, संघर्ष सबका विकास, यही हमारी पार्टी का नारा है और यही हमारी पार्टी का उद्देश्य। जय महाराज। जिन लोगों की आवाज से मुझे नफरत है, क्यों सुन रहे हैं उनकी आवाजें? इन्हीं आवाजों ने हमारी जिंदगी में सन्नाटा कर दिया। सु पर बहुत जल्द ये आवाजें किसी को कभी सुनाई नहीं देंगी। हेलो वासीम का कुछ इलाज निकाल फटाफट ना लौड़े, 24 घंटा चुंबक की तरह चिपका रहता है अमित को। तो बोलो ना साहब, क्या ऑर्डर है? वो 3-4 रोज के लिए उठाते ना तुम लोग त्योहार के टाइम पे। क्या बोलते उसको? प्रिवेंटिव अरेस्ट। ओहो क्या आइडिया है साहब, आज ही उठाता हूँ उसको। साहब थोड़ा खिड़की चल रहा था। अरे तू टेंशन न को गया, नहीं आए ना तो बाद में आके मिल मेरे को। हाँ ये तो सर। जय महाराज। जय महाराज। सलाम साहब। मैंने क्या किया? क्या नहीं रे कुछ, वो तेरे को करने में दे देंगे। हाँ जी चल, 3 दिन अंदर आराम कर, छोड़ दूंगा फिर। चल गया ला। चल चल चल, मेरी बात सुन ले सर, प्लीज चल सर। ये क्या बदतमीजी अमित? क्या हुआ? किसका फोन है? तू मेरी बात तो सुन। अरे देख मेरी जान, ज्यादा सोच मत। अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा। फ्री में थोड़ी ना बुला रहा हूँ तेरे को, खर्चा पानी दूंगा ना मैं। बोलना, रूम बुक करूँ क्या? अरे अरे आराम पस्ती मारेंगे यार। मरा रे तू, तू मरा, बेटे का दोस्त हुआ तो क्या? कल तक ये प्रचार पत्र हर एक घर में पहुंचाना चाहिए। हाँ भाई, एक एक घर में दादा का नाम सबकी जुबान पे होना चाहिए, समझ ला? शकील अंकल आप, अरे थप्पड़ काय का मार मेरे को? मैंने क्या किया है? किया क्या है? मेरे से पूछता है किया क्या है? अरे हाँ, तेरा फोन तेरे में ही डाल दूंगा। जिंदगी भर न चलने लायक रहेगा न बैठने लायक। अरे लेकिन अगर दोबारा फोन किया तो? अरे किसको? दूर रहा मेरी बेटी से। तो पागल हो गया?
हेलो। अरे गलती हो गई रे बाबा, मेरे को लगा पायल है। अब तू ही सोच, इतने सालों में मैं कभी तेरे साथ ऐसा बात किया क्या? नहीं ना, एक बार मिलना, आमने सामने मिलके ये सब क्लियर करने गए यार। मुझे नहीं मिलना। ए युवना, देख अपन की बचपन की दोस्ती है, ऐसा मत काट। एक बार मिलके मेरे को सॉरी बोलने का है बस। एक बार मिलना, आ जाना प्लीज। ठीक है, कहाँ मिलना है? अरे काहे का सॉरी, तू शकील अंकल से झूठ काहे को बोली? मैं कब फोन किया तेरे को? साला फोकट में पब्लिक में छापड़ खेलवाए। अरे अरे मेरे कॉलेज का दोस्त था, अबू को पता चलता तो मेरे लिए एक थप्पड़ नहीं खा सकता क्या तू? अच्छा चल कान पकड़ती हूँ। यकीन नहीं होता तो तेरे सामने कान पकड़ती हूँ पापा। मेरे जबान संभाल के बात कर शेलार, वो मेरी बेटी है और ये मत भूल कि हम कसाई है। ए मुर्गी चो, जिल्ला निकले, जिल्ला निकले। देख तेरा बेटा अमित का पैसा भी तो मौज करता ही है। आता तेरी बेटी ने भी उस पे डोरे डालना शुरू कर दिया। शेलार बस जिल्ला निकले, जिल्ला निकले। आता जा मस्जिद के पीछे जा, तेरी आंखों से देख समझेगा तू किसने किसको बुलाया। समझेगा यार लुमना, चल अभी कान पकड़। फोन पे तो एकदम या हुम मूड में लग रही थी। अरे देख क्या रही है, पकड़ना। चुप कर, अब बस हो गया ना तेरा। तू तो पागल है क्या? सुधारने वालों में से नहीं है। अरे क्या बोल रही है? फोन पे बोला सॉरी बोलना है और अब अपनी औकात छोड़ दे। हम मैं सॉरी काहे को बोलेगा? लगता है आंखें मुर्गे खानदान की सटक गई है। नहीं रे अबू, खानदान हमारा नहीं तेरा पागल है, और सबसे बड़ा पागल है तेरा भाई। छोटी निकल यहां से, तेरे से मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इसकी गर्मी तो उतार दूं। चाकू चाकू अंदर तेरी तो थप्पड़ मारो, मैं कुछ बोला नहीं। चाकू अंदर रख शकील, चाकू हटा। भाई यार कैसा फाइल किया तू? मर गया क्या वो? ओ शरार साहब, चौबे साहब भी तो है ना मेरे ऊपर। अरे ऊपर मंजे का है, नोट की गड्डी के ऊपर तो तेरा सबसे पहला पहुंचता है, बराबर का नहीं? तो काम भी कर, फाड़ के फेंक एफ आई आर को। मैं देखता हूं अमित और मुर्गी वालों के बीच में क्या लफड़ा चल रहा है। तो जा वासिम को भेज मेरे पास। तो उसको छोड़ दूं? किसको? शेलार साहब आप ही के कहने पे मैंने वासिम को 3 दिन अंदर कर दिया। पौवा मार क्या है क्या? मैंने कब बोला वासिम को भरने को? तेरी चौकी मेरे बाप की है, मेरे बाप की है क्या? नहीं सर। ये भाग ना लौड़े, कुत्ता भी हड्डी खा के घर की रखवाली करता है, तू बोललेस के सपने मत देख। समझला कहा है? जा वासिम को भेज। रोन बस अब हाँ, और कितने जूते ट्राई कराओगे? इसका सुर एकदम सही है, ये पहनूंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कितनी पास हो या कितनी दूर। Good night.
मिसेस भटनागर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिस्टर भटनागर। कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है, कुछ दिन से मुझे डालने का वक्त ही नहीं मिला रोहन। उन्हें भी वक्त नहीं मिलेगा सो। चल रहा है वासिम, क्या चल रहा है अमित तो तेरे बाप के बीच में? दादा वो अमित ने लुमना के साथ बदतमीजी की। अरे का डोका फिर ले का? अमित तेरी बहन को अपनी बहन मानता है, तेरे को लगता है वो ऐसा करेगा? और तेरा बाप चाकू लेके गया था अमित को मारने को, चौबे ने एफआईआर फाइल किया है। अता निकाय मर तू, मैंने अमित को पुणे भेज दिया है, तू जा अपने बाप को बोल एफआईआर वापस लेने। याद है ना अंधी के रेप केस में मैंने तेरे को बाहर निकाला था, याद है कि नहीं? तेरे बाप का जितना इलाज का खर्चा है मैं उठाएगा, एफआईआर वापस लेने का, समझ ला? जी दा। या हेलो ए वसीम, अमित बोल रहा हूं यार, मुंबई से बोल रहे ना, नंबर तो यही का है, और तेरा भाई कह रहा है तू पुणे गया हुआ है, शेंडी लगा रहा है दोनों भाई मेरे को। देख वसीम, मैंने लुबना को फोन ही नहीं किया था मेरे बाप, यार तो मिल तो सही, मेरे को हमने सामने बैठ के वन टू वन सब कुछ क्लियर करने का। यार कहाँ मिलेगा अमित? वसीम आजा आजा, देख आज तेरे लिए नंबर वन विस्की लाया हूं, स्कॉच। सोचा के भाई को मनाने गए तो विस्की भी नंबर वन होनी चाहिए, है कि नहीं? बाप को चाकू मारा
लुबना के साथ बदतमीजी की और तेरे को लगता मैं तेरे साथ यहाँ पे दारू पीऊंगा? ए बदतमीजी गई खड्डे में, तूने कौन सी तमीज दिखाई दी उस अंधी के साथ? ए, ए, लुबना मेरी बहन है समझा, और उसके साथ हम दोनों ने मिलकर मजे लिए थे, वो भी दो दो बार। आज तू बड़ी अंधी की बात कर रहा है, कौन लगती थी वो तेरी? सब कुछ जो थी वही थी। तूने अमित की आवाज कैसे निकाली? हैं? फोन पे तू ही था ना? अंधा और सुन सकता हूं और जो चाहे सुना सकता हूं। दे पर शामिल जरूर होता है, हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है। आइला सर, कहीं केबीसी तो नहीं शुरू हो गया? पागल हो गए हो नलावड़? ये तामझाम देखो, और वो देख नहीं सकता, वो इस काबिल है ही नहीं। ये क्या है इसके कंधे पे? सर रुमाल। यस अमित शेलार, नलावड़े दोस्ती जितनी गहरी होती है दुश्मनी भी उतनी ही गहरी होती है। पता लगा कि अमित शेलार कहाँ है? यस सर। ये सुसाइड का नहीं, मर्डर का केस है। अमित कल पुणे में था। कल रात अमित के पुणे में होने का पक्का सबूत है तुम्हारे पास? ये तू मुझसे प्रश्न कर रहा है कि मुझ पे शक? दोनों।
बक चौबे, जितने साल से तू ये खाकी खेल रहा है ना, उतने ही साल से मैं खादी खेल रहा हूँ। तेरे को लगता है मैं ऐसा कांड होने दूंगा? हाँ, आमेद कमी ना है अपन हेड़ा नहीं। वो मर्डर करेगा, उसके कांधे पर अपना रुमाल छोड़ के जाएगा ताकि तू उसको पकड़े। लेकिन फिलहाल परिस्थिति और प्रूफ दोनों ही तुम्हारे भाई के खिलाफ जाता है शरा। और अगर मेरा इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे भाई तक पहुंचा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बोला क्या तेरे को पीछे हटने? याद रखना, मेरे भाई के पीछे मैं हूं, माधवराव शेलार। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। आप तमाम साहबान मरहूम की मगफरत के लिए दुआएं मांगें, हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल्आलमीन। एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा सर, जिस दिन आप घर में प्याज काटेंगे। आइए चौबे साहब, वेज कोल्हापुरी खाएंगे आप? तुम काम क्या करते हो? सेल्फ एम्प्लॉयड हूं सर। ये साउंड का थोड़ा बहुत काम आता है सर, और काम चल जाता है। कल रात कहां थे तुम? घर में सर। लोग शोर से जागते हैं सर, और खामोशी मुझे सोने नहीं देती। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ सर। कोई ऐसा गवाह है जो कह सके कि कल रात तुम घर में थे? ये कैसा सवाल है सर? लोग क्या सोने के टाइम पे किसी को गवाह रख के सोते हैं? लेकिन सर, आप ये सब मुझे क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि कल रात वसीम का मर्डर हो गया। और आपको लगता है कि मैंने किया? पहले नहीं लगता था, लेकिन आज वसीम की मैयत पर तुम्हें देखकर सोचने के लिए बाध्य हो गया। फिर तुम्हारा चैलेंज याद आया, भूल गए? सर, वो मैंने गुस्से में कहा था सर। और वसीम का मर्डर मैं क्यों करूंगा सर? क्योंकि उसने तुम्हारी बीवी का रेप किया था, जिसका आपको कोई सबूत नहीं मिला सर। फिर तुम्हारी बीवी ने सुसाइड क्यों किया? सर, आप इन्वेस्टिगेट करने क्या आए सर? वसीम का मर्डर या मेरी बीवी का सुसाइड? An eye for an eye makes the whole world blind, Mr. Bhatnagar. Perfect world, sir. सब अंधे रहेंगे तो पुलिस की किसी को जरूरत नहीं होगी। सर, आपने कभी किसी अंधे को रेप या मर्डर के केस में अरेस्ट किया है सर? परफेक्ट वर्ल्ड सर, सब अंधे। अमित का रुमाल वसीम के मुंह में डालकर तुमने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं अब तुम अमित जल जाएगा सर। वेज कोल्हापुरी सर, हाथ छोड़े ना प्लीज, जल जाए। थैंक यू सर। बेकंधे पे थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारा किचन नहीं, हमारा इंट्रोगेशन रूम होगा, याद रखना। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला तो सर। आपने बुलाया सर? ये अमित और वसीम के कॉल रिकॉर्ड्स ले आए? कल तक मिल जाएगी सर। शकील का स्टेटमेंट लिया? हाँ सर, बहुत भड़का हुआ है अमित पे। बोला बेटे के कब्र की मिट्टी सूखने से पहले बदला लेगा बेटे को। अमित का टाइम खराब चल रहा है सर। ठीक, थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो, मैं नलौड़े। हाँ बोल नलौड़े। पूना में ना तू? हाँ, और किधर जाऊँगा?
रुमाल मिला तेरा वसीम की बॉडी पे। अरे तुम लोग सबके सब येड़े हो गए हो क्या? मैंने वसीम को नहीं मारा। मालूम है मालूम है। किसने मारा ये भी मालूम है। तेरा नंबर है अगला। तू साला मेरे को उसका नाम बता, अगला नंबर उसका होएगा। फोन पे नहीं रे, इधर आके मिल मेरे को। पता है ना कहाँ मिलेगा? अरे बताएगा तो पता चलेगा ना कहाँ मिलना है। अरे वो उस आंधे को किस बरवाज में रखा था? मटके गोडाउन में। क्यों? उदरिच। और सुन, उधर कोई नहीं मांगता है, ये एकदम सीक्रेट में मिलने का है। चल कलाकार आदमी है रे तू रोहन, क्या प्लान बनाए थे? फूटेली आंख, मैं वसीम नहीं हूं, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं मैं। बदला मेरा बॉस है, चले बदला लेकर। अब कोई प्लान भी है तेरे पास? चले तेरे को वो बदला बदला खेलने का ना, चल खेलते हैं। चलो एक तू मारेगा एक मैं, चल मार मेरे को। मेरी बारी, ला चला मुझे दे। सलाम मानना पड़ेगा, अंधा है और डेयरिंग है। हैंडसम, अरे मर गया क्या? अरे तुझसे जास्ती जोर वाली तो तेरी औरत थी रे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसे काबू में लाने के लिए। आजकल दूसरी बार। चलिए ले, एक आखिरी चांस देता हूं तेरे को, उठा चल।
जूते पहने रहता ना तो शायद बच जाता। तेरे सॉक्स तो मरा हुआ आदमी भी सूंघ लेता। अब तू बता, प्लान भी है तेरे पास? सही समझा तू, बदला ही ले रहा हूं मैं। तूने सुप्रिया को मारा नहीं था? नहीं। मैं भी तेरे को नहीं मारूंगा। पता है तुझको कौन मारेगा? बताता बताता, बोला दादा। दादा मैं हमें, अरे मेरे को ये मड़ के गोडाउन में बांध के रखा है दादा। आप इस जाके मुझे बचा लो, मैं आपको सब बता दूंगा दादा। नहीं ये तो अमित, नहीं ये तो। हाँ हाँ दादा, हाँ कलाकार हूं मैं भी, मानता हूं। मानना पड़ेगा रोन, मानना पड़ेगा रोन। मुझे छोड़ दे रोन, रोन तू कर क्या रहे? मुझे छोड़ दे रोज। रोज क्या कर रहे से जल चुकी है सर। जला नहीं है, जलाया है उसको। वो शकील ने जलाया उसको। शकील अभी भी हॉस्पिटल का आईसीयू में है। जो भी है पता लगा, मैं तो जैसा मेरा भाई जला वैसा पूरा शहर जलेगा। चलो सर, पक्का केबीसी चालू हो गया। मैं तो बोलता हूँ उसको उठा लेते हैं। पागल है क्या? एक तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, दूसरा अंधा है वो। दुनिया भर के एनजीओज और मीडिया पीछे पड़ जाएंगे। तुमने अपना काम पूरा कर दिया रोहन, अब बस गेट बैक टू वर्क। Get back to your life, Rohan. नहीं सर, अभी कुछ काम बाकी है।
ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। ये रोहन किससे बातें कर रहा था? चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं यार। अरे सुन, तू आज फिर से स्कूल नहीं गया? अरे अपनी कॉलोनी और नवजीवन सोसाइटी के बीच एक फुटबॉल मैच है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। यार परसी, तेरा कुछ नहीं होएगा। और अब क्या? अब प्रिंसिपल से बात कर ले, वरना डांट पड़ेगी। और एक दिन तेरे पापा को अगर पता चल गया तो तू और मैं? अरे कुछ नहीं होगा, प्लीज अपनी कॉलोनी की नाक का सवाल है। चल ठीक है लगा, लेकिन लास्ट टाइम हाँ परसी। हाँ लेकिन आज परसी का तबियत ना वो फिर खराब हो गया। हम उसको इतना समझाता है लेकिन देखो नहीं, वो कुछ भी खा लेता है। आज के बाद हम मिस्टेक से भी उसको जंक खाने नहीं देगा और स्कूल भी मिस करने नहीं देगा। यस फादर, ऑफ कोर्स फादर, यू डोंट वरी। पर तो सारे राज तुम्हारी आवाज में हैं। मैं अब तक सोच रहा था कि वसीम उस बंद थिएटर में अमित से मिलने के लिए कैसे आया। उन दोनों के पीने का अड्डा था, लेकिन अमित तो पुणे में था। पुणे से मुंबई कैसे आया वो, जो कि पुणे में ज्यादा सेफ था? किसने बुलाया उसको? कैसे मान गया वो? किसकी आवाज निकाली थी उसे बुलाने के लिए? बहुत टैलेंटेड हो रोहन भटनागर, याद है तुमने मुझसे कहा था कि इस गेम में कोई लाइफलाइन नहीं होगी, लेकिन आज तुमने खुद ही मुझे लाइफलाइन दे दी। 24 घंटे और ये केस क्लोज्ड। थैंक यू सर। किस लिए? 24 घंटों के लिए। चला बड़े, रोहन भटनागर के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के रख, अर्जेंट है। ओके सर। अमित और वसीम के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के मेरे टेबल पे रख, मैं खुद चेक करूंगा। चौकी में कितने लोग हैं? 4 है सर। सब के सब अभी गुरु कृपा कॉलोनी के गेट पे चले आओ। ओके सर। किसी पे नजर रखनी है? यस सर। हाँ अभी। 24 घंटे दे तो रहा हूं, लेकिन एक सेकंड के लिए भी तुम हमारी नजर से दूर नहीं जाओगे। चौबीस साहब, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप सच्चाई से? अगर आप मेरी जगह होते तो वसीम और अमित के साथ क्या करते? मुझे आपके जवाब की जल्दी नहीं है सर, लेकिन जिस दिन आपने मुझे सच्चा जवाब दिया ना, उस दिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। व्हाट्सएप क्लब? सर सावधान, नजर हटी घटना घटी। चलो मोबाइल बंद करो, ड्यूटी करो। बरे सर। छिपा उठे झाले। हाँ संभल कर, मैं तेरे को 4 लैंडलाइन नंबर से SMS कर रहा हूँ, सबके एड्रेस निकाल, बहुत अर्जेंट है। सरबलकर, जी सर, मैंने तेरे को 4 नंबर्स दिए थे जी। तूने एक ही का एड्रेस SMS किया, बाकी के कहाँ? साहब वो 4 नंबर का एक ही एड्रेस है। क्या? हाँ मैंने बरोबर चेक किया, 4 के एक ही एड्रेस हैं। ओ सर, इसीलिए एक ही मैसेज किया। ठीक। ए! अरे अरे अरे, इतनी रात को कहाँ? साहब मुंबई में ये टाइम को रात नहीं बोलते, और वैसे भी कहीं जाना हो तो परमिशन लेना पड़ेगा क्या? केड़ा जवाब नहीं देने का। वो भटनागर का दोस्त है ना तू? हाँ, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। इनमें से रोहन कौन है? साहब ये मेरी फैमिली है,
लेकिन मैं आपको इनके चेहरे दिखाता हूँ क्योंकि आपको गलत फहमी हुई। चलिए वहां पे साइड पे चलो। चलिए उधर परवीन हो गई तसली। अब जाऊं जाओ। ये सुबह कितने बजे खुलता है? सुबह 7 बजे खुलेगा साहब। हेलो सर। नाला बड़े वहां सब ठीक है ना? हाँ सर ठीक है सर। बस चौकस रहना, कल सुबह तक ये केस खत्म हो जाएगा। यस सर। भाव चोबे आला बाहर। ड्रिंक जरूर पूछता तेरे को, पर तू मेरे साथ पिएगा नहीं ना? आज पीऊंगा। क्यों? आज मेरे ऊपर दया आ रही है तेरे को? ऐसी बात नहीं है शैला, तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने हमेशा ही तुम्हारी मदद की। उस रेप के बाद जब तुमने मुझे फोन किया तो मैंने उन दोनों को नलावड़े के हवाले कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो उन्हें तुम्हें सौंप देगा। वसीम के केस में चाहता तो तुम्हारे भाई को पुणे से उठा लेता मैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं अपने पत्ते तभी शो करता हूं जब तीनों इक्के मेरे हाथ में होते हैं। अब ना तो तुम्हें जलना पड़ेगा, ना ही शहर को जलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई को जलाने वाला मिल गया है। नाम बता। दाम बता। जितना चाहिए लेके जा, नाम बता। कल सुबह डायरेक्ट हैंड ओवर करूंगा। सकड़ी नहीं अटाच। अगर तुम्हें अभी बता दिया तो तुम यकीन नहीं करोगे, कल सुबह गवाह और सबूत के साथ लाऊंगा उसे। वो क्या है ना कि सरकार से प्रमोशन लूंगा और तुमसे पैसा। चीयर्स। मार देता हूं दोनों को, अमित और वसीम को। याद है एक सवाल किया था तुमने मुझसे, कैसे मारा उसको? वसीम को, अमित को नहीं, शैलार को। तुम उस कॉलेज से बाहर कैसे निकले? जफर हारोन सुन, मुझे तेरी परसी और वो सकराम की जरूरत है। सकराम? कौन सकराम? मुझे मच्छरों का धुआं मारता है। ये रात को कहां? बहुत बड़ी गलती कर दी दादा, मुझे तो उसकी सजा मिल गई है, लेकिन अब
अब आपकी बारी है दादा, आपकी बारी। काय बकवास करता है तू? अरे बकवास नहीं दादा, सच बोल रहा हूँ। वही जिसने तेरे भाई को गोडाउन बुलाया था। एक बाप की औलाद है तो नाम बता। रोहन, रोहन भटनागर। तू रुक, वही रुक, वही रुक। तू तेरे घर में आके मारूंगा तुझे मैं। मतलब जाके कोई फायदा नहीं है, पुलिस की फील्ड नहीं हुआ। अरे तू कहाँ है बता? आएगा ना, डरेगा तो नहीं। एड्रेस लिख। शेलार, तुझे यहां क्यों बुलाया जानता है? ये वो दीवारें हैं जहां मैं और सूर अपना घर बसाने वाले थे, पर तुम लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। ए भटनागर, चला था खूब जाला, छुपने का था तो बुलाया क्यों? चल बाहर आ। क्या ये चाल तो तू चल चुका। तेरे लिए प्लान बी है मेरे पास। तेरे भाई ने भी उस दिन पूछा था, तब नहीं था, आज है। तेरा पूरा प्लानिंग फेल भटनागर। मेरी सुंगली का एक संकेत आणि तेरी कहानी खत्म। पण असा नहीं भटनागर, मेरे अमित को तूने ऐसा मारा, मैं उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। वैसा ही मारेगा तेरे को।
से नहीं मरी थी, इतनी आसानी से तो तू भी नहीं मरेगा। खुदकुशी की, पर था वो मर्डर, ये मर्डर है, पर लगेगा खुदकुशी। तो अमित ने वसीम को मारा और शैलार ने अमित को, और भाई को मारने के गम में शैलार ने खुदकुशी कर ली। वाह, बहुत दिमाग लगाया तुमने रोहन भटनागर, लेकिन हर क्रिमिनल क्राइम करने के बाद कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, तुमने तो पूरा का पूरा गवाह छोड़ दिया। बस एक घंटा और, यहां से हिलना मत। चौथा ऑप्शन याद है ना सर? मतलब समझ जाएंगे आप। पर आगे किसी को समझा नहीं पाएंगे। ये आदमी यहां से फोन करता था कि नहीं? तरह तरह की आवाजें निकालता था? जी सर, मैं देख सकता तो जरूर बताता। परफेक्ट वर्ल्ड सर, सब अंधे। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ ना सही तो क्या? हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी रोहन। अब चलो।